अगर इस बात को एरोगेंट ना समझें और समझें मैं क्या बोल रहा हूँ, व्हेन पीपल आर लुकिंग अप टू यू एंड यू फील रिस्पॉन्सिबल, एक होते हैं बहुत बड़े लोग, एक होते हैं जो बहुत बड़े लोग होते हैं सोच के, ये सब इकट्ठा करके एक बहुत अच्छा इंसान बनने की कोशिश चल रही है अभी भी। 10 साल कंप्लीट किए आपने, 10 साल की जर्नी हो गई, आपने एक बेंचमार्क सेट किया एक्शन को लेकर के, हुम डू यू लुक अप टू जब एक्शन की बात होती है करंट सिनेरियो में, और आपकी जर्नी किस तरह से रही एक्शन को लेकर के? अगर इस बात को एरोगेंट ना समझें और समझें मैं क्या बोल रहा हूँ, एक समय होता है कि अब यू लुक अप टू पीपल, यू वांट टू बी लाइक दिस दैट दैट दैट, एंड देन देयर इज अ टाइम व्हेन पीपल आर लुकिंग अप टू यू एंड यू फील रिस्पॉन्सिबल, यू क्रिएट योर ओन थिंग्स, यू फाइंड एवरीथिंग फ्रॉम विद इन यू। सो मैं इस समय आई एम लुकिंग अप टू व्हाट आई वांट टू डू बेटर, हाउ आई वांट टू रिप्रेजेंट इंडिया, आवर फिल्म्स, एंड दैट्स द एंडेवर। हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष फ्रॉम फर्स्ट इंडिया फिल्म। First of all, congratulations for this zabardast emotion aur action se fully loaded thriller. Vidyut bhai, pehle aapse sawal puchna chahunga, action star the, producer bane, action hero films se distributor bhi ban gaye, is naye avatar ke bare mein kya kahoge, matlab kaun sa field hai jo chhodne wale film ke? Ye sab ikhatta karke ek bahut acha insaan banne ki koshish chal rahi hai abhi bhi, that's the only agenda, baki sab to kismat se ho raha hai. सोचा नहीं था, when I came to Bombay that I'll be a leading man, hoped it but like didn't really, फिर सोचा नहीं producer distributor पता नहीं क्या क्या, पर अच्छा इंसान बनने की जद्दोजहद चल रही है यार, so I can't say anything more than this. And Farooq भाई, congratulations और शुक्रिया, पहले तो शुक्रिया कि आपने action star से एक emotional star जो हम लोग को introduce करवाया है भाई को, मतलब इंडिया का क्या वर्ल्ड में रैंक करते हैं एक्शन के नाम पे, और इमोशंस की जब बारी आई तो आपने खुदा हाफिज में जिस अंदाज में इनको पेश किया है वो बहुत कमाल है। ये जो बॉन्ड है आपका पहली फिल्म से और अब ये दूसरी फ्रेंचाइज जब आ रही है, मतलब बॉलीवुड में बड़े बड़े स्टार्स और डायरेक्टर्स का जो डुओ होता है, जो हिट डुओ होता है, वो एक आपको अब उस लीग में आप लोग आ गए हैं, दोनों से पूछना चाहूँगा इसके बारे में आप क्या कहते हो इस बॉन्ड के बारे में? आप अच्छा नहीं, शुक्रिया आपका कि आप ऐसा कह रहे हैं। हाँ, बट कोई भी क्रिएटिव प्रोसेस जो होता है वो जुगलबंदी ही होती है, हम कोई भी चीज़ एकांत में अकेले बैठ के एक हद तक ही कर सकते हैं, उसके बाद आपको जुगलबंदी चाहिए होती है। जैसे एक संगीतकार की उसके म्यूज़िक और उसके सिंगर के साथ होती है, तो वही हमारी जुगलबंदी रही है। जो आपने ये पार्ट कहा कि आप लोगों को एक इमोशनल अवतार दिख रहा है, तो वो सारे इमोशंस इनमें थे, और ये क्रेडिट इनको भी जाता है कि बिल्कुल पानी बन गए जब वो उस रोल को अप्रोच कर रहे थे। और इससे पहले भी किसी ने सवाल पूछा था, तो हाँ बहुत मेहनत गई है इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए। इनफैक्ट एक पॉइंट ऐसा भी था सेट पे जब इतने ज़्यादा इमोशनल हो गए थे विद्युत के, ही ऑलमोस्ट फेंटेड, मतलब वो 10 सेकंड के लिए फेंट हो गए थे, क्योंकि वो सीन का भाव वैसा था, उसमें इमोशन वो था, तो कहीं ना कहीं तो एक्टर को अपने अंदर अपने जो इंसान की जो गहराई होती है उसमें से भी निकालना होता है, और उसको दूसरा हिस्सा अपनी कहानी से, लिखे हुए अल्फाजों से, वैसे तो काला अक्षर ही है पेपर पे हर अक्षर, बट उसको आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं और उसको कैसे जाहिर करते हैं, तो कहीं आपको अपने अंदर से भी लेनी होती है चीज़। और जहाँ तक विद्युत और मेरे जो आप कह रहे हैं हिट जोड़ी सलामत रहे, बट हाँ ये एक जुगलबंदी का प्रोसेस है, हम दोनों जब क्रिएट करते हैं सेट पे या जब सीन्स को डिस्कस करते हैं, वी आर प्योरली आर्टिस्ट्स, हम बिल्कुल एज आर्टिस्ट उसको अप्रोच कर रहे हैं कि इस कहानी में, इस सीन में, इस अल्फाज में सच्चाई कैसे जाहिर की जाए ऑडियंस को, तो वो सच्चाई ढूंढने की कोशिश होती है सबकी कि सच कैसी लगे बात ना आपको इस फिल्म की। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। भाई आपने नहीं बोला, ठीक है, पूरा शिजरा दे दिया आपको। विद्युत भाई, ही इज डिस्क्राइब्ड इट वेरी वेल, बट जब मैं बॉम्बे आया था तो होता यह था कि पहले सुना होता है कि तुम्हें इन लोगों के साथ करना है, या इस डायरेक्टर के साथ करना है, इसके साथ करना है, तो उसके साथ करना है, तो अब सब चीज़ें कोशिश कर लेते हैं, देन लेटर यू रियलाइज द ओनली थिंग यू नीड टू डू इज फाइंड योर ओन ट्राइब।
आपकी सोच के लोग या जिनसे आप कुछ बहुत कुछ सीख सकते हैं, एक होते हैं बहुत बड़े लोग, एक वो होते हैं जो बहुत बड़े लोग होते हैं सोच के. आई थिंक दैट्स द ट्राइब यू फाइंड एंड आई फाउंड द ट्राइब इन फारूक ऑल्सो.